रियल स्टोरी ऑफ सिलेंडर रीना। हे टीएमसी आर्मी, दिस इज आशुदा होस्ट ऑफ टीएमसी हंटर चैनल एंड आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस कहानी सिलेंडर रीना की। जी हाँ, सो पिछली वाली वीडियो दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाई थी सिलेंडर मैन की कहानी। सो आज की इस वाली वीडियो में रियल लाइफ स्टोरी ऑफ सिलेंडर रीना। सो गाइस वीडियो को पूरी देखना एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना याद से एंड कमेंट्स में बताना स्टोरी कैसी लगी एंड सिलेंडर रीना की रियल स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट स्टोरी मैं किसके ऊपर लेकर के आऊँ वो भी मुझे दोस्तों कमेंट्स में आप लोग बता देना। और गाइज फिर से कह रहा हूँ, चैनल पे न्यू हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब ना हो, सब्सक्राइब होगो सबसे पहले। ओके, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं सिलेंडर रीना की रियल लाइफ स्टोरी। सिलेंडर रीना सबसे पहले तो बिकी किसकी थी? जी हाँ, सो एक हॉरर हाउस के अंदर यानी बहुत ही डरावने हाउस के अंदर सिलेंडर रीना के पापा एंड सिलेंडर रीना की मम्मी रहा करती थी। सिलेंडर रीना की जो मम्मी थी उसकी डेथ हो गई थी, यानी ग्रैनी की डेथ हो गई थी। सिलेंडर रीना की मम्मी का नाम था एंजेलिना एंड सिलेंडर रीना के पापा का नाम था साइमन। साइमन जो है अलग ही किस्म का इंसान था। जब उसकी एंजेलिना से शादी हुई तो एंजेलिना जो है यानी एक वुडलैंड में खेलने जाती थी, यानी एक झाड़ जंगल में अपने पति के साथ जाती। एंड एक दिन दोस्तों साइमन जो है, ये था हमारा साइमन, साइमन को जंगल में झाड़ जंगल में खेलना, फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। इसीलिए साइमन और एंजेलिना एक दिन बाहर जा रहे थे कि एंजेलिना जो है वहीं रह जाती है और साइमन जो है अपने घर पर आ जाता है। एंजेलिना को साथ ना देखते हुए साइमन कहता है कि एंजेलिना कहाँ रह गई। वो उसको जाके ढूंढ ही रहा होता है जा करके, एंड एंजेलिना एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी हुई है, एक झाड़ जंगल के अंदर पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी है। वो जाता है एंड एंजेलिना को घर पर लेकर के आ जाता है। एंड एंजेलिना जब होश में आती है, जब वो बताती है कि मैंने सपने में कुछ जादू टोना सा कुछ देखा एंड मुझे सपने में कोई ऐसे कह रहा था कि तुम्हारी जो भी बेटी होगी, तुम्हारी बेटी होगी वो एक कर्ष पैदा होगी, यानी कोई भूतिया बच्ची तुम्हारी पैदा होगी जिसके ऊपर हमेशा मेरा साया रहेगा। और वो कुछ अजीबोगरीब चीज़ें भी देखती है एंजेलिना अपने सपने में। एंड जब वो ये सब साइमन को बताती है तो साइमन एकदम हैरान हो जाता है। एंड धीरे धीरे करके जब एंजेलिना और साइमन की शादी हो जाती है तब उनकी एक लड़की होती है जिनका नाम दोस्तों वो रखते हैं सिलेंडर रीना। जी हाँ, सिलेंडर रीना नाम रखते हैं उस लड़की का। एंड जैसे जैसे सिलेंडर रीना जो है दोस्तों 5-6 साल की हो जाती है, जब वो बताती है कि मुझे एक मम्मी की तरह साया, यानी मुझे मम्मी की तरह साया कोई दिखाई दे मतलब देता है आसमान के अंदर, यानी वो कहती है कि एंजेलिना की तरह साया, एंजेलिना की शक्ल का एक काला साया मुझे आसमान में दिखाई देता है। लेकिन उसके जो पापा थे साइमन वो ऐसे मजाक मान रहे थे। एंड धीरे धीरे दोस्तों जब साइमन काम पे जाने लग गया यानी जॉब पे, एंड जब वो जॉब से लौट रहा था कि साइमन की बीबी एंजेलिना और सिलेंडर रीना ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना पापा को डराया जाए, हम लोग ना मरने की एक्टिंग करेंगे और पापा डर जाएंगे। सो एंजेलिना और सिलेंडर रीना अपने आप पे खून डाल के बिस्तर पे लेट जाती है। और जब साइमन आता है तो वो देखता है कि मेरी बीवी को कोई एंड मेरी बेटी को कोई मार गया। ये गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो तुरंत जाता है अपने किचन के अंदर एंड वहाँ पे ड्रॉर खोल के नाइफ निकालता है एंड अपने आप को उसी टाइम नाइफ से मार डालता है। और जब एंजेलिना और सिलेंडर रीना को पता चलता है, वो किचन में जाके देखती है कि उसकी तो डेथ हो गई, तो वो बहुत रोते हैं, हैरान हो जाते हैं। एंड कुछ साल बाद जो है सिलेंडर रीना के जो पापा थे साइमन वो उन्हें फिर से दिखाई देते हैं, यानी उससे पहले दोस्तों वो जो है भाग के जाते हैं, यानी जब उसकी डेथ हो जाती है साइमन की वो पड़ा हुआ होता है तो एंजेलिना और सिलेंडर रीना जंगल में भाग के जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी हेल्प के लिए नहीं मिलता। सो वो जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि साइमन की यहाँ पे लाश नहीं पड़ी है। सो वो जब घर से बाहर निकलते हैं एंड यानी किचन से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि ये साइमन की जो लाश है वो बेड के नीचे रखी हुई है।
उसका अंतिम संस्कार किए बिना दोस्तों उसको गाड़ दिया जाता है, एंड कहा जाता है कि 10 साल बाद एंजेलिना और ये स्लेंडरीना को अपने पापा यानी साइमन दिखाई दिया था, लेकिन वो एक अलग से ही भेष में था। उसके पूरे सिर पे एक वाइट कलर का पट्टी यानी मास्क बंधा हुआ था, एंड कोट पैंट में लंबे हाथों वाला लंबे पैरों वाला आदमी वो बन चुका था। ये सिर्फ एक कर्ज की वजह से हुआ था जो कि उसकी बीबी को यानी एंजेलिना को लग गया था। सो दोस्तों ये थी हमारी स्लेंडरीना के लिए रियल लाइफ स्टोरी। एंड स्लेंडर मैन जब अपनी बीवी एंजेलिना और साइमन को ये बताता है कि ये मैं ही हूँ स्लेंडर मैन, ये कर्ज की वजह से हुआ है, एंड वो भी दोस्तों उसकी बीवी एंड यानी एंजेलिना और स्लेंडरीना को स्लेंडर मैन जो है मार देता है ताकि वो भी मेरे साथ मेरी अंधेरी दुनिया में आ जाए। सो स्लेंडरीना और एंजेलिना अब स्लेंडर मैन के साथ रहते हैं यानी एक अंधेरी दुनिया में, यानी एक खौफनाक दुनिया के अंदर वो दोनों रहते हैं। सो दोस्तों ये थी हमारी स्लेंडरीना की रियल लाइफ स्टोरी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स में बताएं वीडियो एंड स्टोरी कैसी लगी। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट।